माइनक्राफ्ट में हमने ढेर सारी रेसेस करी है, यहाँ पे लकी ब्लॉक रेस करी है, रेनबो लकी ब्लॉक रेस करी है, यहाँ पे लकी व्हील रेस करी है, लेकिन गाइस आज की जो है रेस वो बहुत ही यूनिक है। दिस इज माइनक्राफ्ट बट यू हैव टू चूज द राइट डोर। तो गाइस इन सब डोर के पीछे एक मिनी गेम होगी और वहाँ पे गाइस कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे ये एनविल मेरे सर के ऊपर आगे फट भी सकते हैं, मेरा हॉस्पिटल में भी दाखिला हो सकता है। तो गाइस एज यू नो यहाँ पे ऑगी भी मेरे साथ है। ऑगी कहीं से हो? हाँ, ये कर लो पहले। यहाँ पे आते ही अरे यार तू ग्लास के ऊपर चढ़ जाता है ना तभी गया, ये खुद अपने आप को खाई में फेंक देता है। तो गाइस अभी एक काम करते हैं, यहाँ पे मैं आपको थोड़ी सी स्टोरी लाइन दे देता हूँ। अबे यार फिर से मारने लग गया, मतलब कि मैं ये कटेरे के पास आ जाता हूँ और ये पीछे से आके मुक्का धाड़ी शुरू कर लेता है। तो यहाँ पे आई बिलीव हमें एनविल वगैरह माइन करना पड़ेंगे, लेकिन गाइस उसके बाद आई एक्चुअली डोंट नो वहाँ पे क्या हो रहा है। वहाँ पे कोई रेडस्टोन की मिनी गेम है और ओगी देख वहाँ पे आग लगी है, फायर ब्रिगेड को बुला ले। देख वहाँ पे हम जब तक पहुंचे वो पूरा का पूरा जल ना जाए, देख ले जाके। हाँ जाके जरा देखियो, थोड़ी सी बर्फ ले आई हो ओगी नीचे से प्लीज। तो अभी गाइस ओगी वापस आ चुके हैं। तो ओगी अब देख यहाँ पे हमने दीवारों में से एक दूसरे को तो हम देख नहीं सकते, ठीक है? तो यहाँ पे अभी एक काम करते हैं, वी हैव टू बी ऑनेस्ट और यहाँ पे चलो एक गेम शुरू कर लेते हैं। सो 3, 2, 1 आई हैव लिटरली एंटर्ड। और यहाँ पे क्या बड़ा हुआ है भाई, वुडन पिकैक्स वो भी एफिशिएंसी 2 के साथ। ओके तो आई बिलीव गाइस यहाँ पे वुडन पिकैक्स के साथ इतने सारे एनविल मुझे माइन करने, लेकिन भाई ओगी क्या कर रहा है? ओगी देख अपनी पिकैक्स वगैरह वो भी छलांगे मार रहा है यहाँ पे, देख मुझे देख सकता है तू ओगी, है मुझे देख सकता है। तो यहाँ पे जैसे ही भाई मैंने बोला 3, 2, 1 एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट माइनिंग दी एनविल, तो यहाँ पे हमारे पास लिटरली 20 सेकंड है और 20 सेकंड के अंदर या तो तू ट्रॉल हो सकता है, या तो मैं ट्रॉल हो सकता हूँ, या तो भाई कोई भी ट्रॉल नहीं हो सकता। अरे कहना क्या चाहते हो? लेकिन जितने ज्यादा हमने एनविल माइन करे, हाँ देख रहा ना मेरे को, हाँ देख रहा ना, तो जितने ज्यादा एनविल हमने माइन करे वो ही बंदा जीतेगा। और इसके बाद पता नहीं भाई मुझे क्या मिलना क्या नहीं मिलना, तो गाइस वो तो इस डोर के बाद ही मुझे पता चलेगा। सो 3, 2, 1 आगे लेट्स स्टार्ट इट। तो भाई ये वुडन पिकैक्स है और यहाँ पे इतना एनविल मुश्किल से मिलता है, तो गाइस हमें तो भाई लेना ही पड़ेगा ना। तो यहाँ पे आई ऑलरेडी हैव 3 एनविल इन माय इन्वेंटरी, तो भाई यहाँ पे अभी क्या करना है, और एनविल लेना। ओके ओके ओके, कितने एनविल निकले भाई, यहाँ पे कितनी खतरनाक एनविल की आवाज आ रही है, टंग 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 टंग, आयरन जैसे ही नीचे गिरता है गाइस एनविल की आवाज तो आते ही है ना, 12 एनविल और 13 एनविल। ओके तो गाइस यहाँ पे और मैं माइन कर लेता हूँ, 16, 17 एंड 18, 19, 20 भाई। What? आगे स्वाद। What? What the hell just happened, guys? अबे तू क्या कर रहा है? वापस से बिल्ड नहीं करने, इसने तो भाई सबके सब माइन कर रहे हैं और गाइस मेरे ऊपर से आगे। Wait a minute, guys. इतने सारे एनविल फिर से कैसे बिल्डअप हो गए भाई? मेरी इन्वेंटरी के अंदर 20 एनविल पड़े हुए हैं और गाइस यहाँ पे What the hell is going on? यार मेरे पर कितने एनविल गिरे भाई? यहाँ पे लिटरली गाइस मेरे पर 5 एनविल गिरे एंड आई बिलीव मैं हार ही चुका हूँ। और गाइस यहाँ पे चीज हो चुकी है रैंडमाइज, सो आई थिंक इधर जाना पड़ेगा मुझे और देख ही लेते हैं भाई यहाँ पे क्या मिला। वेट अ मिनट गाइस, इसके अंदर मुझे चेस्ट मिला और उसको क्या मिला? और उसको तो भाई पूरा नेदरराइट का आर्मर मिला, लेकिन इस चेस्ट के अंदर क्या पड़ा हुआ है? तेरा पोपट हो गया। मतलब कि गाइस यहाँ पे जिसने भी पता नहीं बाबा डीटू ने भयंकर मेरे ऊपर जिसने भी ट्रोल किया मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। और यहाँ पे गाइस क्या पता इधर नेदरराइट का आर्मर पड़ा हो और वहाँ पे उसको मिल गया भाई नेदरराइट का आर्मर और यहाँ पे तो हमारा तो पोपट ही होगा। तो गाइस यहाँ पे एक और नई गेम है। ओके देख इस बारी अब मैं ही जीतूंगा ये मैं तुझे बता ही दूं, मुझे पता तेरा तीर कमान की स्किल वगैरह नहीं है। अबे ना ना भी कर रहा है, देखो देखो इतना सेल्फ कॉन्फिडेंस है इस बंदे में। देख बेटा मैं एम बोर्ड वगैरह लगा के आता हूँ, हमेशा तैयारी के साथ आता हूँ। ओके तो गाइस अभी मैं आपको इस मिनी गेम के बारे में बता देता हूं। तो यहाँ पे है हमारे पास 8 एरो एंड बो, तो इस बो के साथ हमें करना है शूट एंड यहाँ पे ऑब्वियसली गाइस जब भी हम इसके ऊपर शूट करेंगे तो यहाँ पे हमें कोई ना कोई आइटम नहीं मिलेगी। तो यहाँ पे अगर हमने एक भी टारगेट मिस कर दिया दैट मींस वी लूज एन आइटम। तो यहाँ पे ओगी तो तैयार है, चल भाई पहला बो तो तू शूट कर ले, देखते हैं भाई तुझे क्या मिलता है, देखते हैं भाई तू पहला एरो शूट भी कर पाता है। अबे यार इसने तो भाई फोड़ दिया यार। वेट अ मिनट, पिगलिन स्पॉन है किसको मिल गया यार? सही में भाई ये आगे जाके मेरे ऊपर पिगलिन स्पॉन करेगा, इसकी साजिश मुझे पता चल चुकी है। वेट अ मिनट गाइस, मैं इस टारगेट ब्लॉक के ऊपर एम कर दो एंड देयर वी गो। What do I get? Netherite की सोट। देख रहा होगी मेरे हाथ के अंदर, देख रहा क्या है? देख रहा है? मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। देख रहा है ये काली सोट, देख रहा नहीं। इसी के साथ ही तेरी हड्डी के पीस कर दूंगा मैं, समझ रहा है? तो भी एक काम करते गाइस, अब होगी मैं जाऊंगा फिर से और आई विल गो फॉर द हार्डेस्ट वन एंड दैट इज दिस वन। वेट अ मिनट, डायमंड चेस्ट प्लेट। अरे क्या बात है भाई, क्या बात है? देख भाई देख, मुझे बता तेरे पास नेदरराइट है, तू शो ऑफ कर रहा होगा? अबे मेरे को नहीं मारना तीर कमान भाई, टारगेट पे मारना है, मेरे को नहीं मारना। अगर तू मेरे को मारेगा तुझे डैमेज होगा, चल उड़ा दे एक और टारगेट उड़ा दे। अबे यार रॉ चिकन, अरे रॉ चिकन मिला भाई, रॉ चिकन का क्या करेगा? यहाँ पे गोल्डन एप्पल मिलता तो बात होती। तो गाइस इसके ऊपर एन्चेंटमेंट से देख लो अब क्या क्या लगी हुई है। तो ये वाला हो गया, ऊपर वाला हो गया, अब बिल्कुल सबसे इजी वाला ले लेते हैं एंड आई गेट रॉटन फ्लैश। तो समझ लो कि भाई इजी काम हमेशा बिल्कुल बेकार ही होता है। देख ओगी मेरे पास तेरे लिए एक बहुत ही खतरनाक गिफ्ट है, ये ले कैच कर। अबे ये ले कैच कर, ये ले एक एक पकड़ ये दिखा। तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। अबे कैच करने के लिए इसने छलांग भी मार ली।
अरे इतना भूखा इंसान है भाई, रोटन फ्लैश के लिए भी छलांग मार रहा है। तो चल होगी, अब तेरी बारी है। सबसे पहले तो एक टारगेट उड़ा दे, देखते हैं तू कौन से टारगेट पे एम करता है। एंड व्हाट डिड ही गेट? ओके, डायमंड चेस्ट प्लेट। इसको भी डायमंड चेस्ट प्लेट मिली है। लेकिन गाइस अभी मेरे ये तीन टारगेट तो हो चुके हैं, लेट्स गो फॉर दिस वन। एंड व्हाट डू आई गेट? वेट अ मिनट, क्रीपर स्पॉन है भाई, आगे जाके तू तो फटने वाला है होगी। एंड लेट्स सी व्हाट यू गेट। यार ये तो मतलब कि मिस ही नहीं कर रहा भाई, इसको क्या मिला? अरे तेरा पोपट हो गया, क्या हुआ भाई? अरे इसको मिला क्या भाई, मुझे समझ नहीं आ रहा इसको मिला क्या। इसने हाथ में भी कुछ नहीं पकड़ा, ना कर रहा है गाइस, इसका पोपट हो गया सही में। इसको अभी कुछ नहीं मिला, तो अभी एक काम करते गाइस, लेट्स गो फॉर दैट वन। एंड क्या मिला भाई मुझे? हंगर इफेक्ट। अरे कोई बात नहीं भाई, रॉटन फ्लैश भी मुझे हंगर देता है और मेरे ऊपर भी हंगर इफेक्ट ही आ गया। तो गाइस इतना मुझे फर्क नहीं पड़ना, मैंने कौन सा यहाँ पे 20 किलोमीटर चलना है। तो एक काम कर ओगी, चल अब एक और टारगेट पे शूट कर ले। देख भाई, अबे ओए ओए ओए, लाइन से, अबे लाइन से बाहर नहीं निकलना भाई, लाइन से पीछे। चीटिंग नहीं करने का भाई, चीटिंग करता है, चीटिंग करता है तू यार। एंड डायमंड की सूट भाई साहब, आई डोंट नो कि भाई वो एन्चेंटेड है या नहीं है, लेकिन डायमंड की सूट इसको जरूर मिली। तो अभी एक काम करते गाइस, इसके ऊपर एम कर लेते हैं। एंड देयर वी गो। और क्या मिला मुझे? एन्चेंटेड गोल्डन एप्पल। देख रहा होगी। अबे यार फिर से तू मेरे ऊपर तीर कमान एम कर रहा है भाई, टारगेट ब्लॉक वहां पर है, मेरी खोपड़ी नहीं है। अबे फिर से तू लाइन के बाहर, अबे लाइन के बाहर निकल के मत मार। एंड अरे यार तू एक ब्लॉक को बार बार ही मारी जा रहा है, वो तेरा टारगेट ब्लॉक ऑलरेडी एक्टिवेट हो चुका है, तू उसको क्यों मार रहा है ये मुझे समझ नहीं आ रहा। ये खुद को होशियार समझता है लेकिन निकला अनपढ़। तो अभी एक काम कर देगा, इसके ऊपर एम कर दे। एंड देख मैं तेरे पास फ्लाई करके आ रहा हूँ, देख मैं तेरे पास फ्लाई करके आ रहा हूँ। ये देख, ये देख, अबे गिरा रही तू, अरे गिरा रही है मेरे को, अरे गिरा रहा है, अरे नहीं गिरा पाएगा। वेट अ मिनट गाइस, मेरा हथियार तैयार है। अबे यार मैं इसको मार ही नहीं पाया। हाँ मार ले। Anyways guys, अभी I believe last arrow है, and मेरे पास भी last arrow है और इसके पास भी last arrow ही होगा। तो ओगी देख भाई, निशाना लगा, देखते हैं तो कितना शहनशाह बंदा निकलता है। हाँ चल एक काम कर, तो इस बार चेस्ट के ऊपर खड़ा हो जा, जा बेटे। और किसको एरो भी मिस कर दिया। और गाइस ये देखो, एंड दैट गेव मी अनदर राइट एक्स, और वो भी भाई शार्पनेस एंड स्माइट 5 के साथ। ओगी तेरी भली चलने वाली है भाई, तू गया अब, मैं जा रहा हूं। जितने एरो तुझे लोड करने कर ले। तेरे पास वैसे कितने एरो भाई? मेरे पास 8 एरो थे, तेरे पास कितने एरो हैं? चल जितने भी हैं भाई शूट कर ले अब। आई थिंक गाइस जिसका लास्ट एरो है वो सेकंड लास्ट था। एंड ये भी, अबे गोल्डन एप्पल मिल गया भाई, वो भी 5 गोल्डन एप्पल। तो गाइस आई बिलीव मैंने सबके ऊपर शूट किया, एंड आई थिंक आई डिड रियली विन। तो अभी एक काम करते हैं, यहाँ पे आगे निकलते हैं। ओगी तू भी आ जा, लेट्स गो टू द नेक्स्ट मिनी गेम। तो यहाँ पे इसके अंदर ओके, अनदर बो एंड एरो गेम। तो गाइस हमारे पास है 4 एरो और यहाँ पे एक टारगेट ब्लॉक है। तो यहाँ पे इस टारगेट ब्लॉक के ऊपर शूट करके हमें कोई ना कोई इफेक्ट मिलेगा या कोई ना कोई आइटम मिलेगी, लेकिन उस आइटम को जिसने लिया गाइस ही इज गोइंग टू विन। तो यहाँ पे गाइस जोन सा बंदा विन हुआ उसी को ही कोई ना कोई अच्छी आइटम मिलेगी, और जोन सा बंदा लूज हुआ ऑब्वियसली उसके साथ कोई ना कोई ट्रॉल होगा। ये तो भाई मैं ही सोच रहा हूँ, लेकिन अभी आगे जाके मुझे नहीं पता क्या होने वाला है। अबे यार तू मेरे अंदर क्यों घुस रहा है? नहीं तो मेरे अंदर क्यों घुस रहा है? मेरी मर्जी भाई। तो चलो होगी एक काम कर, तू पहले चला जा। यहाँ पे तो भाई मेरा फ्रेश बो आ चुका है, मैं पहले नहीं जाऊंगा, क्योंकि अगर मैं पहले गया तो भाई तुझे पता, यू आर गोइंग टू लूज। ओ भाई ये तो सस्ते नशे। इसने तो भाई ऊपर ही मार दिया। अबे टारगेट ब्लॉक राइट साइड में है, बिल्कुल नीचे। यहाँ पे तुझे घड़ी का टाइम दिखाना पड़ेगा क्या, कहाँ पर है? ओके तो गाइस ये देख मैं बिल्कुल कोने से टारगेट ब्लॉक के अंदर मारूंगा। देख 3, 2, 1 एंड मैंने टारगेट ब्लॉक पे ही मारा था। देख मेरा एरो देख कैसे उछल रहा है। अब एक और बारी चल ले। अबे यार इसने तो बिल्कुल मिडल के अंदर एम किया हुआ है, देखते। अबे फिर से ऊपर, अबे ऊपर नहीं है टारगेट ब्लॉक, देख वहां पर है टारगेट ब्लॉक। देयर वी गो गाइस, पटाके फट रहे हैं मेरे लिए, मेरी विन हो चुकी है। ओगी अब तू तो गया, ये ले इसी बात पे खोपड़ी के अंदर एक एरो खा, ये ले एक और एरो खा। साले का खोपड़ी तोड़। तो चल भाई अब अपने अपने पाथवे के अंदर चले जाते हैं, एंड लेट्स सी हु एक्चुअली विंस इन द एंड। तो यहाँ पे गाइस मुझे पता नहीं क्या मिलने वाला है, और उसके पास पता नहीं भाई क्या ट्रॉल होने वाला है। तो गाइस मुझे मिल चुके हैं नेदरराइट की लेगिंग्स एंड अ शील्ड, लेकिन उसके साथ क्या हो रहा है भाई, वो तो अंदर गया। ओ माय गॉड उसको जली, अरे वो तो जल गया, अरे वो तो जल गया भाई। वेट अ मिनट वहाँ पे था क्या? अरे वहाँ पे उधर जाना पड़ेगा। अरे यहाँ पे तो गाइस लावा स्पॉन हो गया यार, सही में होगी तू तो गया। मजा आया ना? मजा आया। और मेरे साथ पंगे ले और मुझे चैलेंज कर बर्न टू डेथ। ओगी और पंगे ले मेरे साथ, अब तो तेरे डायमंड ब्लॉक्स गए। अब जो तेरी जेब के अंदर डायमंड ब्लॉक्स पड़े हैं वो मेरी जेब के अंदर आने वाले हैं। यहाँ पे जो ये आग दिख रही है इसी के ऊपर तुझे जला जला के मारूंगा, मैं बोल रहा हूँ। 3, 2, 1 अरे मेरी शील्ड कहाँ पर है भाई? मैं लेगिंग भी डाल देता हूँ अपनी, एंड लेट्स स्टार्ट विद इट। तो आ जा ना मेरे साथ लड़ने आना। अबे यार मेरे सामने भाई पिगलिन स्पॉन कर दिया। यार मैं यहाँ पे क्रीपर स्पॉन नहीं करने जाता, क्योंकि गाइस वो क्रीपर तो एक्चुअली में मेरे पीछे भी आ जाएगा। इसका पिगलिन कहाँ गया?
वो मैं मस्त तेल में फ्राई करके वो मैं खा गया। और इसका पिगलिन कहाँ गया भाई? और इसने खुद के पिगलिन को खुद ही मार दिया, ये क्या सीन है? अब ये काम कर देगा। मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था? अरे ओगी ने तो इजी वे टेक आउट कर दिया भाई। और छलांगे मार गया मेरे को, मार और छलांगे मार। नीचे ये कोई स्लाइम का ट्रैम्पोलिन नहीं लगा हुआ कि भाई तो नीचे जाएगा और वहाँ पे स्लाइम के ऊपर छलांग मार के तू वापस आ जाएगा। यहाँ पे तेरे पास ना ही कोई लाइटर है भाई, तू तो गया यार। पहली बारी तूने मेरे को ट्रोल किया, दूसरी बारी फिर तूने लूज किया और तीसरी बारी भी लूज किया। अरे ये तो फिर आ रहे मेरे को मारने के लिए। तो गाइस आई थिंक इस टुडे के लिए इतना ही, आई थिंक आई वॉन द मैच। तो अगर आपको ऐसी मिनी गेम्स और चाहिए तो गाइस मेक श्योर यू स्मैश लाइक बटन एंड आई विल सी यू नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, बाय बाय। अरे क्या बच्चे की जान लेगा।